वृंदावन के अक्षय पात्र में 8 और 9 दिसंबर को होने वाले नारी शक्ति महाकुंभ की तैयारियां जोरों पर हैं। यह कार्यक्रम पर्यटन विभाग यूपी और आगरा विश्वविद्यालय के तत्वाधान में होने वाला है। कार्यक्रम स्थल पर बन रहे पांडाल को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वहीं यहां आने वाले हेलीकॉप्टर को सुरक्षित लैंडिंग को लेकर हेलीपैड का निरीक्षण भी किया गया। आप देख सकते हैं कारीगर शिद्दत के साथ तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। आज निरीक्षण करने पहुंचे आगरा विश्वविद्यालय के कुलपति अरविंद दीक्षित ने कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। बता दें कि इस महाकुंभ में शिरकत करने को देश की दिग्गज राजनीतिक हस्तियां यहां पहुंचने वाली हैं। मथुरा की सांसद हेमा मालिनी, महिला कल्याण राज्य मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का कार्यक्रम तय हो चुका है। वहीं उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और गोवा की राज्यपाल मृदुला सिन्हा भी आ रही हैं। इनके अलावा 9 दिसंबर को समापन सत्र में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल राम नायक और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण की कार्यक्रम में आने की पूरी संभावना है। हालांकि उनका कार्यक्रम तय नहीं हो पाया है, लेकिन आयोजकों को विश्वास है कि जल्द ही कार्यक्रम तय हो जाएगा। ये सभी हस्तियां यहां आकर करीब 5000 महिलाओं की समस्याओं पर वैचारिक मंथन करेंगे और उनका उत्साहवर्धन कर 11 महिलाओं को सम्मानित करेंगे। तैयारी के संबंध में बीएसए कॉलेज की प्रोफेसर बबीता कनोडिया और आरसीए कॉलेज की प्राचार्य प्रीति जौहरी ने जानकारी दी। हाँ, महाकुंभ की तैयारी बहुत दिन से चल रही है और अब बिल्कुल युद्ध स्तर पे है, तो यहाँ लगभग रोज ही वीसी साहब भी विजिट कर रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं और यहाँ की सारी व्यवस्थाएं देख रहे हैं। वहाँ कॉलेजेस में सब अपने अपने कॉलेजेस में वॉलंटियर्स और टीचर्स को तैयार कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं लोगों की देखरेख में ये काम होना है। एक तरह से ये मेज़बानी का मौका है मथुरा वृंदावन के लिए, तो हम लोग अपने बच्चों को भी और अपने टीचर्स को भी उसके लिए तैयार कर रहे हैं। और बात करें पंडाल की, कितनी महिलाओं की बैठने की व्यवस्था की गई है? यहाँ लगभग 5000 गेस्ट्स के बैठने की व्यवस्था है उद्घाटन सत्र में। उसके अलावा 2 पंडाल उधर बन रहे हैं जिनमें समानांतर सत्र चलेंगे, जिनमें डिस्कशंस होंगे। मनोरंजक तो है ये कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक भी है, एक प्रदर्शनी भी है, लेकिन जो उसका मुख्य स्वरूप है वो एकेडमिक रखा गया है। ये हमने तय किया है इससे पहले की बैठकों में कि जो स्वरूप है कार्यक्रम का वो एकेडमिक ही रहे। तो इसमें संगोष्ठी होगी, वैचारिक मंथन होगा। 3 अलग अलग थीम्स हैं, समर्थ नारी, समर्थ भारत, बताया ही आपको वाइस चांसलर ने, राष्ट्रोत्थान में नारी की भूमिका और वर्तमान समय में नारी के आगे चुनौतियाँ। बाकी की तैयारियाँ चल रही हैं। वक्तागण सब बहुत से स्वीकृति मिल चुकी है, कुछ की प्राप्त हो रही है और जो मुख्य वक्ता लोग हैं उनके बारे में बताया। एक समाज सेवा के क्षेत्र से, एक चिकित्सा और एक खेल या कला के क्षेत्र से 3 मुख्य महिलाओं का साक्षात्कार भी, ये भी एक कार्यक्रम है इसी सत्रों में। जैसे 8 और 9 दिसंबर को नारी शक्ति महाकुंभ अक्षय पात्र वृंदावन में उत्तर प्रदेश सरकार, पर्यटन विभाग एवं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा द्वारा ये इसका आयोजन है, तो उसकी तैयारी के लिए पूरा अक्षय पात्र में इस समय हम मौजूद हैं। जहाँ पांडाल है उसमें हम लोग खड़े हुए हैं, तो उसकी तैयारी आज जैसे 6 तारीख है तो पूरे जोर शोरों में उसकी तैयारी चल रही है और उस तैयारी के तहत आप देख रहे होंगे व्यवस्थाएं बहुत तीव्र गति से चल रही हैं, क्योंकि देश भर से तकरीबन 4000 महिलाओं के आने की संभावना है और रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, 4600 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो उन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए सारे आवास आवंटित कर दिए गए हैं पूरे वृंदावन में, जितने भी अतिथि गृह हैं और आश्रम हैं उन सबको बुक कर लिया गया है। पूरी यातायात व्यवस्था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सुचारू रूप से हमारे यहाँ हमको सहयोग कर रहे हैं, तो अपेक्षा कर रहे हैं। हमारे VC साहब भी इस समय हमारे प्रांगण में मौजूद हैं और जितने आगरा यूनिवर्सिटी के जितने भी प्रोफेसर्स हैं वो भी मौजूद हैं, संघ में कुछ समिति की हमारी बहनें भी यहाँ पर उपस्थित हैं।